दोस्तों, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह डर रहता है कि लोग हमें रिजेक्ट ना कर दें हमारी बातें सुनने के बाद। इसीलिए हम अपना एक आर्टिफिशियल सा कैरेक्टर बना लेते हैं जीवन में और उसको जिंदगी भर धोते रहते हैं, क्योंकि हम अंदर से वैसे तो होते नहीं हैं। इसीलिए ये कैरेक्टर हमें कभी खुशी नहीं देता, जिससे जन्म होता है सप्रेशन और डिप्रेशन का। और इन्हीं प्रकार के लोगों को ऑथर कहते हैं मिस्टर नाइस गाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ मनोविज्ञान पे आधारित एक बहुत शानदार किताब जिसका नाम नो मोर मिस्टर नाइस गाय की समरी लेकर। इस किताब को रॉबर्ट ग्लोबर ने लिखा है, जिनको 30 सालों का मनोविज्ञान पर अनुभव है और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को मेंटर भी किया है। हो सकता है इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप भी अपने अंदर ऐसे ही किसी कैरेक्टर को पाएंगे जिसको निकालने के लिए रॉबर्ट ने बहुत ही शानदार तरीके बताए हैं। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। नो मोर मिस्टर नाइस गाय किताब रॉबर्ट ग्लोवर ने अच्छे लोगों के व्यक्तित्व और मनोविज्ञान का विश्लेषण करने के बाद लिखी है। रॉबर्ट ग्लोवर एक मनोवैज्ञानिक है और उन्हें लोगों के बिहेवियर का कई सालों का अनुभव है। इस किताब में आप पाएंगे कि अच्छे लोग वास्तव में अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि वे डोरमैट की तरह होते हैं जो दुनिया भर का कचरा अपने अंदर भरते जाते हैं। यह लोग अपनी भावनाओं को लोगों को बताने से डरते हैं, जिससे वह अपना ही नहीं अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या अच्छा होना खराब है? नहीं, मैं यह नहीं कहता। इस किताब में ग्लोवर का उद्देश्य यह है कि लोग अधिक मुखर और उच्च शक्ति वाला व्यक्ति बन सके और अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन जी सके, जो कि वास्तव में खुशहाल हो, ना कि एक ड्रामा। ग्लोवर कहते हैं, लोग मिस्टर नाइस गाय बने रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनकी एक बेहतर छवि बनेगी लोगों के सामने और उन्हें प्यार किया जाएगा, उनकी जरूरतें पूरी होंगी और वह जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं से बचे रहेंगे। अच्छे लोग वास्तव में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वह एक गलत धारणा के शिकार होते हैं। अपनी बेहतर छवि को बनाए रखने के लिए यह वह लोग होते हैं जो राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन, जिसे हम हिंदी में आक्रामकता या टकराव कहते हैं, से डरते हैं और हमेशा एक मैनिपुलेटिव सा बिहेव करते हैं। यह किसी भी बातों के वास्तविक कारण को छुपाते हैं ताकि सबको अच्छा लगे उनकी बातें सुनकर। यह लोग हमेशा लोग लुभावनी बातें करते हैं। ग्लोवर कहते हैं, इसकी जगह अच्छे लोगों को उच्च मूल्य उच्च शक्ति पुरुष बनने के लिए खुद पर काम करना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर पाए। ग्लोवर कहते हैं, आप इस तरह नाइस गाय होन के लक्षण को पहचान सकते हैं और इस प्रकार के एटीट्यूड से दूरी बना सकते हैं। अधिकांश लोगों में इनमें से एक या दो लक्षण होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों में इनमें से अधिकांश होते हैं। हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ देने की प्रवृत्ति, हमेशा दूसरों की देखभाल करने वाला बिना अपने और अपने परिवार के बारे में सोचे, हमेशा लोगों से अप्रूवल का इंतजार करना, विशेषकर महिलाओं से, संघर्ष से बचने की कोशिश करना, हमेशा अपने अधिकार की तलाश करना, चीजों को हमेशा सही तरीके से करने की कोशिश में कुछ भी स्टार्ट ही न करना, ताकि फेल होने की स्टेज में लोग यह न सोचें कि मैं बुरा हूँ, हमेशा अपनी भावनाओं को दबाना और दूसरों को प्रायोरिटी देना। ऐसे लोग हमेशा महिलाओं के साथ रहने में अधिक सहज महसूस करते हैं। वे अपने पार्टनर को खुश करने के लिए जबरदस्त प्रयास करते हैं, भले ही वह खुद क्यों न दुखी हो जाए ऐसा करने में। आपने पाया होगा, अच्छे लोग दो तरह के होते हैं। पहले वह जो लोग सोचते हैं कि वे बुरे हैं और उन्हें खुद को सुधारने की जरूरत है, और दूसरे वह जो लोग सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं और अपनी छवि बनाए रखने के लिए खुद से झूठ बोलते हैं। इनमें पहला इंसान परेशान और विद्रोही रहता है और अब उसे लगता है कि उसे इसकी भरपाई करने की जरूरत है, इसलिए वह नाइस गाय बनने के ट्रैप में फंस जाता है। दूसरा वह आदमी जो बचपन से अच्छा लड़का था और वह अपनी सामाजिक पहचान और अपनी आत्म पहचान को बनाए रखने के लिए उसी तरह रहता है, भले ही वह इन चीजों को करने का ढोंग कर रहा हो। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए।
मिस्टर नाइस गाय सिंड्रोम से उबरने के लिए ग्लोवर कई तरीकों की सलाह देते हैं, जिनमें से कुछ है अपनी सीमाओं से निकलने की कोशिश करना, यानी हमें वह चीजें करना चाहिए जो हमेशा से हम करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। पहले खुद को खुश करना सीखो, फिर दूसरों को। अपने डर का सामना करना, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे लोगों के बीच अपनी बात रखना बिना यह सोचे कि कौन क्या सोचेगा। अपनी डाइट पर बेहतर खर्चा करना ताकि आप दिमागी रूप से बेहतर महसूस करें। जी हाँ, ग्रोवर कहते हैं, आप क्या खाते हैं यह आपकी सोच पे एक बहुत गहरा असर डालता है। आगे ग्रोवर कहते हैं, मिस्टर नाइस गाय के कभी अपने पार्टनर के साथ अच्छे अंतरंग संबंध नहीं हो सकते। आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों? क्योंकि अंतरंग संबंधों के लिए लोगों को अपने भीतर देखने और इस बारे में खुलकर बात करने की आवश्यकता होती है कि वे वास्तव में कौन हैं। लेकिन अच्छे लोग हमेशा मुखौटा पहने रहते हैं और हमेशा अपना असली रूप छुपाते हैं। यह उनके रिश्तों को अनऑथेंटिक बनाता है। मिस्टर नाइस गाय के अपने पार्टनर के साथ दो तरह के संबंध होते हैं। पहले वह जो लोग खुद की कीमत पर अपनी खुशी को ताक पर रखकर अपने संबंधों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, और दूसरे वह जो अपने साथी को छोड़कर बाकी सभी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ग्लोवर दूसरे प्रकार के लोगों को बचने वाले कहते हैं और बोलते, अच्छे लोगों को सीमाएं तय करना सीखना चाहिए। अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य और सकारात्मकता के लिए लिमिट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेखक का कहना है कि महिलाएं अपने पुरुषों से सीमाएं चाहती हैं क्योंकि इससे उन्हें अधिक सुरक्षित महसूस होता है। वास्तव में वह यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनका पार्टनर मजबूत और प्रतिरोधी है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि इनमें से कुछ हैबिट्स आपके अंदर भी हैं, तो आपको यह याद रखना होगा कि एक रियल नाइस गाय क्या होता है और इससे आगे बढ़ना सबसे अच्छा क्यों है और उसकी क्या सीमाएं होती है। आपका काम अपने जीवन में एक अधिक मुखर स्वाभिमानी इंसान बनना है, वह भी तब जब आप खुद अंदर से खुश हो किसी काम को करने में, ना कि तब जब लोगों को यह बेहतर लगे। हमेशा लोगों के अप्रूवल का इंतजार न करें, जीवन में जोखिम उठाएं और उसके परिणाम के लिए तैयार रहें, चाहे वह आपके फेवर में हो या आपके अपोजिट। हमारा जीवन हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम करता है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वह या तो गलत होता है या सही, लेकिन बिना प्रयास के कुछ भी पॉसिबल नहीं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग जब आप सोचें क्या कहेंगे लोग। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड करेगा। यदि आप इसे लाइक और शेयर करते हैं तो यकीन मानिए आप हमारी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। जल्द मिलूंगा आपसे फिर एक नई रोचक जानकारी लेकर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।